अररिया के महादेव चौक के निकट स्थित माई छोटा स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप का आयोजन 4 दिन का होना था, लेकिन सरकार की स्कूल बंद करने के आदेश के बाद इसे 3 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों में मानसिक विकास को बढ़ाना और बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को उभारना था। इस कैंप में अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास पर जोर दिया गया। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल कंचन शाह ने बताया कि समर कैंप का आयोजन काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें बच्चों ने खूब इंजॉय किया। बच्चों के लिए पहले दिन ब्रेन बूस्टर गेम का आयोजन किया गया, दूसरे दिन आर्ट एंड क्राफ्ट गेम का आयोजन किया गया, तीसरे दिन वाटर पूल गेम का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों को स्विमिंग कराया गया। स्कूल के डायरेक्टर देवराज शाह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को आधुनिक तौर तरीके के साथ साथ अच्छे संस्कार एवं बड़े सपने बचपन से ही विकसित हो। उन्होंने कहा कि तरह तरह की एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखा जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। समर कैंप जैसी एक्टिविटीज से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी विकसित होते हैं। माई छोटा स्कूल किस तरह का स्कूल है, किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर होती है? माई छोटा स्कूल एक्चुअली ये प्ले स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को प्ले मेथड से शिक्षा दी जाती है। अगर मुझे किसी को ये लिखने के लिए सिखाना है तो उसको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सिखाने से अच्छा है उसको प्रैक्टिकल करने खुद देते हैं। पहले वो पजल से खेलता है, फिर उसके बाद वो बच्चों के साथ बातों बातों में खेल लेता है। तो वो सारी टेक्निक है हमारे पास कि बच्चे अपने आप पढ़ाई को खेल समझने लग जाता है। तो ये तरीका है हमारा कि बच्चों को उसके लाइफ के साथ पढ़ाई को खेल बना दो, और जब बच्चे पढ़ाई को खेल समझने लगेंगे तो जीवन में कभी उसको बोझ नहीं लगेगा, कभी बच्चे पढ़ाई से भागेंगे नहीं। प्ले स्कूल का यही था कि उनको हर तरह से हम शिक्षा दे सके, उसका मेंटली ग्रोथ क्या होना चाहिए, उसका फिजिकली ग्रोथ क्या होना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटी क्या होती है, बच्चे कितना सोच सकते हैं, कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पे हमने ध्यान हमेशा दिया है। इस तरह का प्रोग्राम समर कैंप का आयोजन प्ले स्कूल में तो होना ही चाहिए और लगभग सभी स्कूल में होना चाहिए। हमने शुरुआत किया है अररिया के अंदर, ये हम देखते थे कि दिल्ली में होता है, मेट्रो सिटी में होता है, और बहुत सारे पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि शायद माई छोटा स्कूल में कुछ अलग तो होगा, और माई छोटा स्कूल हमेशा अलग करती है और अररिया में पहली बार कुछ अलग करने का प्रयास भी किया है। आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं कि किस तरह से समर वैकेशन सॉरी समर कैंप का आयोजन हम लोगों ने किया है। आपके माई छोटा स्कूल में 4 दिनों का समर कैंप का आयोजन किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम? हमारे माई छोटा स्कूल अररिया में समर कैंप का आयोजन बहुत ही जबरदस्त रहा। बच्चों ने खूब मस्ती किया, बिल्कुल मतलब बच्चों के लिए इतना अच्छा रहा ये। और हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के अतिरिक्त जो है आउटसाइडर बच्चों के लिए भी ये चीजें रखा था कि जैसे बच्चे हैं तो उसके बड़े भाई बहन मतलब 2 से 7 साल तक के बच्चे उनके रिलेटिव्स वो भी इंजॉय कर सके। अररिया में ये चीजें नहीं मिली है अभी तक बच्चों को, पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए मतलब ये बिल्कुल ही नया चीज़ था। और ये 4 दिनों का था, पहला दिन हमारा जो था वो ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी थी। ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने बच्चों का माइंड गेम करवाया, 2 तरह के गेम करवाए हम लोगों ने, उसमें बॉल विथ ग्लास एक्टिविटी करवाया, पेंसिल एक्टिविटी कराया फिंगर से। तो बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब उनकी फिंगर किस तरह से जो मतलब बैलेंस होना था पेंसिल में वो चीज़ें बच्चों ने अच्छे से की। दूसरा दिन हमारा जो था आर्ट क्राफ्ट एंड प्ले एक्टिविटी, आर्ट क्राफ्ट में बच्चों ने अच्छे से बहुत अच्छे से क्राफ्टिंग की, बहुत अच्छे से पेंटिंग किया, और प्ले एक्टिविटी तो इतने जबरदस्त तरीके से किया बच्चों के अंदर हम ये देख पाए कि वो क्ले से क्या क्या बना सकते हैं। बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई क्ले से, सबके अंदर की प्रतिभाएं उभर के आ रही थी। तीसरा दिन हमारा जो था माई छोटा स्कूल के अंदर वो था वाटर प्ले। वाटर प्ले में बिल्कुल बच्चों को तो ये लगा कि अब वो गोवा आ गए हैं, वो समंदर चले गए हैं, वो मुंबई में चले गए हैं, बिल्कुल बीच पे जो है मस्ती कर रहा है। बहुत बड़ा सा बाथटब एक रूम के बराबर, उसमें बहुत सारे खिलौने बॉल्स वगैरह वाटर प्ले बॉल, तो बच्चों ने उसके अंदर स्विमिंग की, बहुत मस्ती की बच्चों ने।